बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। मैं आज आपको 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है, पेज नंबर 31 के ऊपर जो है इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, उसका नेम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या नेम है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है टू वर्ड से क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है। फर्स्ट इज बायो एंड सेकेंड इज डाइवर्सिटी, ठीक है। अगेन बायो मीन लाइफ, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि बायो का क्या मतलब है। बायो का मीन है लाइफ। एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज। वैरायटी का क्या मुराद है? मतलब ज़्यादा सारी चीज़ों स्पीशीज का होना, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन अ स्पीशी या वैरायटी विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि हमारे पास, हमारी इस अर्थ पे कह लें, जिस पे भी कह लें, 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं, ठीक है। 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ओनली एंड ओनली 1/3 को हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? स्टडी किया, ठीक है। 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, 1/3 हमने क्या कर लिया, उसको स्टडी कर लिया। 1/3 को हमने क्या किया है? स्टडी किया है, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्पीशीज का मतलब ये क्या है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है हमारे पास मौजूद है लाइफ में। मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स प्लांट्स सर्वाइव विद इन अर्थ, ठीक है। टू काइंड मेन काइंड है ऑर्गेनिजम्स की जो प्रेजेंट है। बहुत सारी काइंड मौजूद हैं, लेकिन जिसमें से सबसे मेन जो काइंड है वो कौन सी है? टू मेन काइंड है। फर्स्ट इज फ्लोरा एंड सेकेंड वन इज फौना। फ्लोरा मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड फौना मीन डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है? मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज का प्रेजेंट होना और वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। अब आपको भी पता है लॉट ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अवर एनवायरमेंट, बट हमारा जो फोकस है, हमारा जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल पे होता है, क्योंकि वो क्या है? मेन एंड मेजर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, आगे है हमारे पास आता है फैक्टर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्लोरा एंड फौना क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, उस पर इन्हिसार करती हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? हमारा इर्द गिर्द का जो, मतलब जो भी है आबो हवा, सॉइल, मिट्टी, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज कितनी मौजूद हैं उस पर भी ये डिपेंड करती है। और फोर चीजेज altitude, ठीक है। इन सब चीज़ों पे क्या करती है फ्लोरा एंड फाना? क्या करती है? डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टूडे इज द रिजल्ट ऑफ द 4 बिलियन ईयर्स अगो ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ के ऊपर मौजूद है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मौजूद है? कि 4 बिलियन ईयर अगो जो एवोल्यूशन हुई थी, उसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है लिमिटेड स्पीशीज जो हैं क्या हुई हैं? डिस्कवर्ड हुई हैं, ठीक है, वाइल अदर वर अननाउन, ठीक है। लिमिटेड तरह की स्पीशीज को क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है, और उसमें से जो कुछ हैं जो क्या है? अननाउन मौजूद हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें अगर देखें तो 600 ईयर्स अगो सिर्फ और सिर्फ 600, ये था 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 600 मिलियन ईयर्स अगो 600 साल पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स और कौन सी चीज मौजूद थी? सिर्फ बैक्टीरिया मौजूद था, ठीक है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं थी, सिर्फ ये दो स्पीशीज मौजूद थी 600 मिलियन ईयर्स अगो, बिफोर कौन सी? इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आगे आगे जैसे जैसे लाइफ चलती गई, उसके बाद जो है हमारे पास अ लॉट ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज से भी, और आगे हम चैप्टर के, ये तो बेसिकली इंट्रो पढ़ रहे हैं ना, आगे डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स, सेकंड है प्रोटिस्ट, 3rd फंजाई, नेक्स्ट प्लांट्स एंड फिफ्थ वन इज एनिमल्स, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें हमने, मैंने आपको बता दिया बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन आएगी। उसके बाद मेन काइंड्स हैं दो तरह की, और जो कि ये आपको फ्लोरा एंड फाना को वो एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछ सकता है, बट इस फ्लोरा या फ्लोरा इज डैश डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स, और उसके बाद फैक्टर्स भी आपसे पूछ सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी
कोई भी आपने बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।